फ्रेंड्स, अकाउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी कोई खास नहीं है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ वही चीज यहाँ भी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। जितना एक दो क्वेश्चन अगर एक ही तरह का करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या हो जाएगा, फुल्ली जो है सो वो चीज बैठ जाएगा। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:2:1 है। ये लोग आगे डिसाइड किए हैं कि 1 अप्रैल 2018 से इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सो 5:3:2 में जो है सो चेंज कर लेना। इसके लिए जो है सो इन लोगों का एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू जो है सो यहां पर में दिया हुआ है, और आगे ये लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी जो बुक का है उसमें जो है सो कोई चेंज नहीं करेंगे। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेंज वेयर एज फॉलोज, जो नीचे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सो जिनके पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पर में जो है सो देख लीजिए। क्वेश्चन को हम समझा दिए पहले ही। आप लोगों ने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लिया होगा, क्वेश्चन को तो मैंने पहले ही समझा दिया है। अब आगे यहाँ पर में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर में जो है सो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है सो बना लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। साथ ही साथ जो है सो किसको जो है सो कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन किसका मतलब कि सैक्रिफाई हो रहा है, इसका जो है सो कैलकुलेशन कर लेना है। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा जनरल एंट्री पास कर देना है, बस हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग जो है एक छोटा जनरल एंट्री के लिए जो है सो स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पर पहले छोड़ देते हैं। जनरल एंट्री इतना में ही हो जाएगा, ज्यादा यहाँ बड़ा का जरूरत नहीं है, छोटा में ही हो जाएगा। पर्टिकुलर माउंट या और डेट, पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो पार्टनर जो है यहाँ पर में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी सी इनका रेशियो जो है सो दिया हुआ है 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो 5:3:5:3:2 दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच
ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो दो चार एक पांच, तो दो बट्टे पांच माइनस टेन, फाइव बाई टेन इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, टेन ये आ गया माइनस में वन बाय टेन माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो रहा है, गेन एक गेन कर रहा है। ठीक है, अब बीच शेयर कितना जाएगा, टू बाय फाइव माइनस थ्री बाय टेन इक्वल टू टेन वन बाय थ्री, ये क्या कर रहा है, नहीं वन बाय थ्री नहीं वन बाय टेन, इसका क्या, ये प्लस में आ गया तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, इसका सेक्रीफाई हो रहा है। अब जो है सो सी का भी देख लें, सी से कितना हो जाएगा, वन बाय फाइव माइनस टू बाय टेन इक्वल टू टेन जीरो बाय टेन, जीरो बाय टेन मीन्स नी, इसका कोई भी जो है सो नो सेक्रीफाई कर रहा है नो गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए का सेक्रीफाई हो रहा है और बी का जो है सो नहीं, ए का गेन हो रहा है और बी को जो है सो सेक्रीफाई हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है सो कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिए, अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग ये देख लें कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लेते हैं, यहां पर मैं दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दो पार्ट होता है, एक क्रेडिट साइड और दूसरा डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया, ये अमाउंट का कॉलम है, ज्यादा कम है इसलिए पत्ता पत्ता कर दे रहे हैं, पार्टिकुलर पार्टिकुलर चलिए, अब यहां पर मैं हम लोग क्या जानते हैं कि जो कुछ जिस किसी भी एसेट का वैल्यू, जिस किसी एसेट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जिसका वैल्यू घटता है उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो किस किस का वैल्यू बढ़ रहा है सो देखिए, मशीनरी, मशीनरी का बुक वैल्यू है 2,50,000 और रिफाइंड वैल्यू दिया हुआ है 3,00,000, तो मशीनरी जो है सो क्या हो गया, 50,000 से बढ़ा, तो बढ़ने वाले को किस साइड में दिखाएंगे, बढ़ने वाले को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
तो यहां लिखाएंगे मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट कितना से बढ़ा है ये, तो ये 50,000 से जो है सो बढ़ा है, तो 50,000 से दिखा दिए। और देख ले किसी का वैल्यू बढ़ा है या घटा है। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है 2,00,000 था और अब रिवाइज वैल्यू हो गया है 1,75,000, तो कंप्यूटर भी क्या हो गया 25,000 घट गया है। तो जिसका घटता है, जिस एसेट का वैल्यू घटता है उसको कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड से दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में यहां पर मैं कंप्यूटर को दिखा दीजिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना से बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है 25,000 से, तो यहां दिखा दिए 25,000, कंप्यूटर का वैल्यू 25,000 से घट गया। अब कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 था, अब जो है उसका वैल्यू क्या हो गया 75,000 हो गया। तो सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर जो हमसे लेने वाले हैं, तो हमारे लेने वाले घट गए, तो हमारे लेने वाले घट गए, यानी कि हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो 90,000 था 75,000 हो गया, यानी कि 15,000 क्या हो गया घटा क्रेडिटर हमसे लेने वाला, तो हमको देना नहीं है, तो हमको देना नहीं है कि यानी कि हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक ना। तो हम कहां दिखाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट को, जो है सो यहां सीआर टैग में दिखाएंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट कितना से, तो 15,000 से, 15,000 क्रेडिटर हो गया। अब क्या चौथा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है तो खर्चा, एक्सपेंस मीन्स खर्चा, 15,000 था बुक वैल्यू और वो जो है सो 25,000 हो गया, तो खर्चा जो है सो क्या हो गया बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया कितना हजार से 10,000 से, 15,000 से बढ़कर के 25,000 हो गया, तो खर्चा हमारा बढ़ गया, यानी कि हमको क्या हो गया हमको लॉस हो गया। तो इसको जो है सो हम क्या करेंगे डेबिट साइड, लॉस को डेबिट साइड में जो है सो हम दिखला देंगे 25,000 से, नहीं 15,000, 10,000 से, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हजार 10,000, तो एक्सपेंस जो है सो 10,000 रुपया ये हो गया। अब तो कुछ और कुछ है ही नहीं, अब हम लोग जो है सो देख लेते हैं कि इस साइड ज्यादा आया किस साइड कम आया। तो हम इस साइड जब देखते हैं ज्यादा 50,000 या 15,000 65,000 और इस साइड में जो है सो 25 और 10 35,000 आ रहा है, तो इस साइड में 65,000 आ रहा है, तो जिस साइड में पहले ज्यादा आता है उसको जो है सो हम लोग ऐड कर लेते हैं 65,000। अब यहां पर मैं 65,000 और डेबिट साइड में कितना आया 25,000 तो 35,000 को जो है सो माइनस कर लीजिए, तो 35,000 को जब माइनस कर लिए तो कितना आ गया 30,000, यानी कि 30,000 का क्या हो गया हमको प्रॉफिट हो गया, 30,000 का जो है सो प्रॉफिट हो गया। तो यहां दिखाएंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट आ गया 30,000। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारा क्या हो गया इक्वल आ गया, तो रिवैल्यूएशन से हमको जो है सो प्रॉफिट 30,000 का आ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लिए, हमारा प्रॉफिट का पता चल गया कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ कितने हजार का 30,000 का। इस 30,000 को हम लोग यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हुए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं क्या गेन कौन कर रहा है, गेन जो है सो ए कर रहा है, यानी कि ए का अकाउंट क्या होगा
डेबिट होगा, ठीक है, गेन करने वाले का अकाउंट डेबिट होगा। तो 30,000 का निकाल लीजिए यहां पर, 30,000 इंटू 1/10 कितना 10 इक्वल टू 3,000। दोनों सेम ही है, 1/3 1/3, एक का जितना गेन होगा दूसरे का उतना सेक्रीफाई होगा, क्योंकि तीसरा तो नील में चला गया, इसका कुछ हुआ ही नहीं, ना गेन हुआ ना सेक्रीफाई हो गया। तो अब इसी 3,000 को हम लोग यहाँ पर जो है सो जनरल एंट्री में दिखला देंगे। तो डेबिट किसका अकाउंट करना है, गेन करने वाले का अकाउंट। तो एक अकाउंट जो है सो डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसका अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट कितना 1,000 3,000। अब यहां भी जो है सो 3,000। इस तरह से जो है सो हम लोग रिवैल्यूएशन निकाल लेने के बाद जो है सो जी किसको मिल रहा है और किसका जो है सो त्याग हो रहा है उस चीज को जो है सो हम लोग दिखला देते हैं। एडजस्टमेंट इतनी है ना हम लोग कर दिए, इस तरह से हमारा जो है सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।